अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद द्वारा महिलाओं का समाज में योगदान विषयक गोष्ठी का आयोजन बुधवार को आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य कर उपायुक्त राजी सत्यार्थ, समाज सेवी विमला दास, संस्थान की अध्यक्ष आशा रुंगटा, मधु कामयानी, डॉक्टर उषा कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन राय, मनीष खंडेवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं ने वंदे मातरम की प्रस्तुति भी की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज में महिलाओं के योगदान पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे मक्खी पूरा शरीर सुंदर है लेकिन जहां फोड़ा रहेगा वहीं बैठती है, वो अच्छे जगह पे नहीं बैठती, वो फोड़ा ढूंढ के बैठती है। तो निगेटिव चीजों पे ध्यान देने वाले को आपका मन स्वस्थ नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहा करता। मेरा मानना है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, विचार शुद्ध रखिए, जहां कुछ बुराई है उसमें एक अच्छाई ढूंढ लीजिए। दुनिया का कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि एक कर्म में दोनों व्यू न आते हो, वहां अच्छाई भी दिखेगी और बुराई भी दिखेगी। तो यह वृत्ति अगर अपने अंदर आप ला लेते हैं तो मैं समझता हूं ये जो कन्या स्वरूपा हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, जो हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन अभी नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि विद्या समस्तास्त्र देवी भेदा स्त्री समस्ता सकला जगत सु तवई गया पूरी तमम तवई तत्कातिष्ठव्य परापरोक्ति। देवी के जितने अंश हैं, जहां जहां स्थान है, शक्तिपीठ है, सब एक उस परम्बा भगवती जो जगत जननी जगदम्बा है उसी के विविध रूप है, अलग अलग रूप है। मान लेते हैं कि वो न चाहे विवाह उत्पन्न करने के बाद दूध पिलाना तो भी उसकी विवस्था है, क्योंकि दूध बनना शुरू हो जाता है, वो रोक ही नहीं सकती, उसको दूध पिलाना ही पड़ेगा तभी उसे सुख मिलेगा, नहीं तो उसे खुद परेशान हो जाना पड़ेगा।